सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे है आप सभी लोग। और गाइज आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइज आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क फूज दूर द तौर वर्ल्ड का। तो गाइज आर्क फूज दूर द तौर वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना गाइज हम लोग ने ब्राचियोसॉरस जो है ना गाइज उसके लिए फाइनली जो पार्टनर है ना गाइज वो यहाँ पे ढूंढ लिया था। और उसको डैम करके उनका ब्रीडिंग करके हमने एक अंडा जो है ना गाइज वो भी यहाँ पे निकाल दिया था। अभी उस अंडे को जो है ना गाइज अपन बहुत ज्यादा जल्दी हैच करने वाले। अभी आज के एपिसोड में हम क्या करेंगे, आज के एपिसोड में हम अल्फा क्रीचर्स को मार के रूइन स्टोन हासिल करने वाले और उससे जाके जो फाइनल बॉस फाइट, थर्ड फाइनल बॉस फाइट जो है हमारे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व के आर्क फूज दूर की, वो हम लेने वाले। एंड उसके बाद अपन बढ़ेंगे डायरेक्टली मेन बॉस की तरफ। हमको ये छुटकू छुटकू बॉसेस को जो ना गाइज मारना जरूरी है अगर अपन बड़े बॉस को मारना चाहते हैं तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के आज का जो एपिसोड है गाइज आर्क फूज दूर का वो शुरू कर दे। लेकिन आज का एपिसोड शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जो आप तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा फटाफट गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। और हम 1 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा नजदीक है, तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चले भाई लोग करते हैं आज का एपिसोड शुरू। हेडफुल टू दबाई मजा डाल दे। और मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे अल्फा रैप्टर, अल्फा रेक्स जैसे काफी ज्यादा अल्फा क्रीचर जो ना गाइस वो दिखाई दे रहे, तो इन सबके बैड नाम है अपने इस इकलौते रेक्स से बचाने वाला हो भाई। ठीक है, अपना अकेला रेक्स जो ना गाइस इन सबके बैड बचाएगा। मैं थोड़ा गेम का आवाज कम कर लेता हूँ क्योंकि रेक्स को जलाते वक्त गेम का आवाज जो ना गाइस वो काफी ज्यादा लाउड आता है। ये देखो भाई, ये रेक्स देखो भाई, 2-2 3-3 ब्रॉन्टो से एक साथ बिट रहा है। बेस क्या ले बेटा, मर जा, मर बेस क्या, इधर आ इधर। अबे लो, अरे मैं माई 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 इधर है बाबा, माई इधर है, मैं यही हूँ। अरे भाग क्यों रहा है, भाग जा बेस गया भाई, मैं दूसरे को मारूंगा भाई। मैं रैप्टर वाह को चेप डालता भाई। चलो भाई बाय बाय, वो ग्रेट टाइम। रैप्टर वाह को चेप डालता भाई, इजी पीजी पड़ेगा भाई, खत्म खत्म, टाटा बाय गुड बाय रैप्टर वाह। रैप्टर वाह भी भाग रहा है क्या? नहीं, रैप्टर वाह तो ना भाग रहा भाई। और रेक्स वाह मेरे से भाग क्यों रहा था मेरे को समझना आया भाई। 5-5 हज़ार का डैमेज और डायरेक्टली पट्टे से हेडशॉट और ये खत्म रैप्टर। कितना रूनस्टोन? 6 मिला। टोटल रूनस्टोन मेरे पास 30 हो चुका है और कल वाला 30 हो गया मेरे पास। मतलब मेरे को ओके। और असेंडेड वाली कुछ भाई चीजें, अरे यार हट भाई, ये सारा का सारा सामान मेरे को भाई ट्रांसफर नहीं करना था, फेंकना था भाई। ओ भाई ये चीज़ रखना भाई, ये नाखून जो ना गाइस काम आएगा इंडोमिस रेक्स का अंडा अपन को बनाने के लिए भाई। ठीक है, यस गाइस इंडोमिस रेक्स का अंडा अपन इस वाले मॉड में बना सकते हैं। मैंने एक इसमें भाई मॉड डाल दिया एडिशन क्रीचर वाला, उसमें जो ना गाइस वो ब्राचियोसॉरस और उसकी तरह भाई काफ़ी खतरनाक वाले डायनोसॉर आते हैं, तो गाइस वो सब जो ना अपन टेम कर सकते हैं। काम करना बेच गया, कितना ज़्यादा तुड़ुक जाम करने से अच्छा मीट सीधा ड्रॉप, खत्म। उसके बाद हाइट बीट तो अपन ऐसे फेंक देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। ये ले बेटा टाटा पे भी गुड भाई। क्रॉसबो भी अपने किसी काम की नहीं, तो ये सारा फेंक देते हैं भाई, लेट्स गो। और ये क्लॉ ले लेते हैं भाई, ठीक है, ये अपने काम आ सकता है आगे जाके। रुक जाओ भाई, मैं जो ना गाइस यहाँ पे जो रेक्स था ना गाइस उसको भी ढूंढ के मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइस जब मैंने आसगार्ड में फाइट ली थी आपको पता है गाइस, तब आसगार्ड में जो है ना ओ वाह 2-2 रैप्टर नाइस, वो भी अल्फा वाले। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात है भाई। हेलो हेलो हाउ आर यू। अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा पप्पा इधर है, इधर आओ ना मेरे को। अच्छा मेरे से मार खाने के लिए बाबा, खत्म भाई। भाई कभी कभी ये 2-2 हज़ार का डैमेज खाते, कभी कभी 5-5 हज़ार का डैमेज खाते भाई। ये ले बेटा कितना मिला रूइन स्टोन? उससे तो मेरे को 4 रूइन स्टोन समथिंग कुछ मिला भाई। इससे कितना मिला है देखते चलो भाई। ले बेटा खत्म, कितना मिला इससे? अरे टोटल 14 हो गया भाई, काफ़ी ज़्यादा रूइन स्टोन मिल गया भाई। चलो आ जाओ भाई। अगर मैं भाई जो रेक्स है ना अगर जिसको मार दूँ ना तो मेरे पास लगभग 60 के करीब रूइन स्टोन आ जाएंगे ना। हाँ ये रेक्स मिल गया अपन को, चलो आ जाओ चेप डाल दे भाई इसको। अबे तो कार्नो है भाई, रेक्स किधर है भाई? अरे भगना भाई इसके आग, मेरे को इस अल्फा कार्नो को चेप नहीं दे, वो नॉर्मल कार्नो था ना, नॉर्मल था। खत्म भाई, इससे तो 6 ही मिला मेरे को भाई, तो 2-3 फटकों में मर गया यार। मेरे कार्नो का हाथ भी ले लेता मेरे पास। और मेरे को भाई रेक्स जो है ना कुछ उसका वो भी चाहिए था, क्या बोलते रेक्स का हाथ जो होता है ना कुछ वो भी चाहिए था आई थिंक, वो बनाने के लिए क्या इंडोमिस रेक्स का अंडा गाइस। ठीक है, इंडोमिस रेक्स का अंडा बनाने के लिए वो रेक्स का हाथ भी चाहिए था भाई, अल्फा रेक्स का हाथ चाहिए था। लेकिन अल्फा रेक्स का, अच्छा अल्फा रेक्स का हाथ में उसका दांत चाहिए था भाई, बट अल्फा रेक्स ही गायब है भाई। हेलो वेर आर यू अल्फा रेक्स वाह, मेरे को दिखाएगा नहीं दर। इसी तरफ इसी डायरेक्शन में भगाता ना वो, मैंने अल्फा डायरेक्स को पहली बार भागते हुए देखा है भाई। जो दुम दबा के भाग रहा था ना भाई इसके गोरेक्स में, आपको क्या ही बताओ, पता नहीं किस चीज़ से भाई डर गया था। यहाँ पे एक और ब्राचियोसॉरस है, टीम कर लो क्या। वैसे आज मेरे को बॉस फाइट लेनी है, बट मैं उस अल्फा रेक्स को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। छोड़ो चलो आ जाओ, लेट्स गो, निकल लेते हैं भाई सीधा। आ जाओ 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 भाई सीधा अपन जो ना, जब एक मिनट रुक जाओ। अरे वो रहा भाई, वो रहा रेक्स, वाह ये रहा भाई। ये तो अभी यहाँ पे नहीं था, अचानक से प्रकट कैसे हो गया भाई। ठीक है चलो भाई इस रेक्सवा की बैंड बजा डाल दे, रूइन स्टोन अपन को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। और कुछ नहीं भाई। हाउ आर यू बेटा, हाउ आर यू। मारकाना है, डर नहीं लगता बेस की आग। 5,000 का डैमेज इस रेक्स के ऊपर दे रहा भाई मैं, 5,000 का। ले बेटा, प्लस इसको नॉकबैक दे रहा हूँ ताकि मेरे को आके मार ना पाए। अरे बेटा कलाना कल, कदम 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 भाई। भाई इसकी बैंड बजने वाली है भाई। ले बेटा टाटा बाय बाय, गुड बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड बाय सर जी, खत्म, लेट्स गो। 18 रूइन स्टोन मिल गए, मतलब भाई एक मिनट रुक जाओ, उसका दांत मिला, दांत भी मिला भाई, 2 दांत मिले भाई, 18 रूइन स्टोन मिले, 68 रूइन स्टोन हो चुके हैं। मतलब मैं 2 बॉस फाइट बड़े आराम से कर सकता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी अपन चल देगा सीधा यहाँ पे अपने होम पे, और वहाँ से अपन चलेंगे फाइनल बॉस फाइट करने के लिए आज की भाई, जो कि रहेगी अपने आइस वाले बाय में। फुल टू मजाने लाइफ ना मेरे भाई। लेकिन उससे पहले मेरे को एक और चीज़ करने बताए क्या, मेरे को जो ना गाइस यहाँ पे एक रेक्स का और सैडल बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो ना गाइस मेरे पास सिर्फ एक रेक्स जो अपन ने नया टीम करा था ना गाइस, उसको मैंने पुराने वाले रेक्स का सैडल निकाल के पहना दिया। तो मेरे को एक रेक्स का सैडल बना के उसको फुल टू असेंडेड वाला करना है। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आके भाई फ्रेम रेट इतना कम क्यों मिल रहा है पता नहीं भाई। मैं भाई सारा का सारा सामान इसके अंदर डाल देता हूँ जो मेरे किसी काम का नहीं है। ओके, एंड इसके अंदर वो बनाने के लिए डाल दिया मैंने एडवांस बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी भाई अपन को आगे जाके भी, तो मैं बहुत सारा एडवांस बुलेट यहाँ पे बनाने के लिए डाल देता हूँ। और मेरे पास भी थोड़ा सा एडवांस बुलेट रख देता हूँ, क्योंकि अपन एंड्रू को चलाएंगे और रेक्स को टारगेट करके छोड़ देंगे भाई। ठीक है, अपन एंड्रू सुचेसवा को चलाएंगे भाई। यहाँ पे स्पार्क पाउडर बना, क्योंकि स्पार्क पाउडर थोड़ी सी कम पड़ रही है मेरे हिसाब से। गन पाउडर बना ले, एंड उसके बाद बना डाल भाई यहाँ पे एकदम मस्त देखिए सीमेंटिंग पेस्ट भाई। सीमेंटिंग पेस्ट तो भर के बन रहा है भाई, यहाँ पे भर के बन रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। अब उनको भर के सीमेंटिंग पेस्ट मिल रहा है। अभी यहाँ पे बस मेरे को जो ना जो रेक्स है ना इसका ज़्यादा लजेंटेड कर देना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद अपन निकल लेंगे यहाँ पे फाइट करने के लिए। ये ले बेटा हो जाएगा क्या, ये कुछ सामान की ज़रूरत ही ना पड़ी। फाइबर चाहिए, फाइबर तो मेरे पास नहीं है भाई, फाइबर मैंने कहीं पर रखा होगा क्या। 1,500 है भाई, इधर को कितना चाहिए था, इतने से तो मेरे हिसाब से काम ना बनने वाला। 800 और चाहिए यार अभी फाइबर लेके आना पड़ेगा भाई मेरे को भी भाई। फाइबर कलेक्ट करने वाला डायनो भाई टेम करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास स्टेगोसॉरस तो थे, बट उनको मैंने बॉस फाइट करते वक्त भाई मरवा डाला भाई, क्या ही बताओ आपको। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन जो ना कहीं यहाँ पे फटाक से जो ना कहीं बहुत सारा फाइबर इकट्ठा कर लेते हैं। ले बेटा भाई कितना फाइबर चाहिए बताओ भाई। 18,000, 24,000, ले बेटा 27,000 भाई। हार्वेस्टिंग तो एकदम खतरनाक वाली है, 34,000 भाई, 34,000 भाई फाइबर मिल चुका है भाई कुछ ही भाई क्लिक में यहाँ पे, अच्छी बात है। चलो अभी फटाक से चल के जो ना कैसे अपन क्या कर लेते, अपन फटाक से ये सारा फाइबर एंड बेरीज इसके अंदर डाल दो क्या। बेरीज देख दे, चलो बेरीज भी डाल देते हैं। हाँ नार्को बेरीज काम आती है वैसे भाई, वो बनाने के लिए अपन को क्या बोलते हैं यार, भूल गया भाई उसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो बनाने के लिए काफ़ी काम आती है अपना। अरे क्या बनाते यार अपन उससे, नार्कोटिक बनाने के काफ़ी काम आती है भाई। ठीक है, वर्ल्ड बॉस टर्मिनल लास्ट वाला भाई, ठीक है लास्ट वाले पे जाना है। एंड एपीएम के वाले पोशन बना डालने मेरे को थोड़े से, लाइक ये वाले। अरे यार टेलीपोर्ट मार दिया यार, एपीएम के वाले पोशन भी बनाने नहीं दिया मेरे को एपीएम के वाले पोशन बनाती है लिंक वाले, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ के मारे ना अपनी हवा टाइट हो जाती है भाई। यहाँ पे बर्फ़ भाई जो है ना गाइस काफ़ी ज़्यादा गंदी वाली पड़ती है एपीएम के वाले एरिवी को, बर्फ़ का मतलब वो इफेक्ट काफ़ी गंदा वाला पड़ता है। रिक्स की आर्मी निकाल दें। हाँ भाई देखना भाई सबकी हेल्थ फूल है ना, और इसको ही सैडल ना बनाया भाई मैंने। ठीक है बेटा हेल्थ फूल है, हाँ भाई हेल्थ तो फूल है भाई सारे रेक्स की। चलो गाइस पूरी रेक्स की आर्मी जो ना गाइस, अरे यार अपने पास उतने ज़्यादा रेक्स है नहीं क्या, गिन के 4 रेक्स है यार अपने पास गिन के। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये वाले रेक्स को भी बाहर निकालता, एंड इसकी लेवल अप तो मैक्स हो चुकी है मतलब। ठीक है उसके बाद ये वाला रेक्स अपना रेड वाला, ओके इसकी भी हेल्थ इनफ है। एंड ये वाला गाइस अपना लास्ट वाला रेक्स भाई। ठीक है डन ओके हो गया। अभी अपन को निकालना है एंड्रू के ऊपर जो ना गाइस, अपन जो उनकी मशीन गन है ना गाइस वो चलाएंगे। उससे जो ना गाइस काफ़ी खतरनाक वाला जो ना गाइस यहाँ पे डैमेज पड़ता है उनको, बॉसेस को भाई। ठीक है तो गाइस फाइनल बॉस है भाई, आउटसाइड वाला फाइनल बॉस है जिसको अपन पहले वाले और उसके लिए अपन को 30 मात्र रूइन स्टोन चाहिए। अपने पास 68 पड़ा हुआ है यार। ये बेटा 30 रूइन स्टोन। एंड्रू को पहले बाहर निकाल, बाहर निकाल, नाइस वन। एंड अभी बुलाने वाला हो गाइस थर्ड बॉस को। रेडी हो? 1 2 3 लेट्स गो। ओके अरे यार वही पे स्पॉन हो रहा था भाई, पता नहीं कौन है भाई। लूंडा बियर है क्या ये? अबे ये तो बियर भाई यार, व्हाट इज दिस बिहेवियर। कितना हेल्थ है भाई इसका? हेल्थ कितना? अरे नहीं ये क्या है? इट्स नॉट अ बियर। अरे ये क्या है पूरी मैया? ये कुछ अलग ही है। ये क्या है भाई? हेलो मेरे रेक्सिस को मार पाएंगे? आई डोंट थिंक भाई। भाई अरे अरे ओरी मैया कहाँ फंस, तू भी ललित है क्या भाई? कहाँ फंस रहा है? कंट्रोल छोड़, निकल बाहर। ये क्या है भाई? ये बियर नहीं है गाइस, ये कोई गोलम प्लस बियर का कॉम्बिनेशन है। मेरी गोलियों का 68 डैमेज। अरे यार भाई तूफान में भाई उसके भाई ये जो काटे पीटे पत्थर पित्तर है ना गाइस, वो अपने रेजेस को काफी डैमेज दे रहे भाई। यार ये बहुत कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे को यार। नहीं यार मारना नहीं बेटा, बेटा पेलना नहीं यार। ये अपने गोलेम बिलेम को बुला रहा है चुटकू वाले। मेरी गोलियां खत्म हो जाएगी गाइस, लेकिन मैं इसको मार ना पाऊंगा। ये देखो चुटकू गोलेम भाई, इनके ऊपर तो 16-16 का डैमेज पड़ रहा है। रबर बियर, रबर गोलेम सुना था, रबर बियर क्या होते भाई इसके आग? भाई इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टेन बोजोरन। लेवल 1 का है वो भी, और लेवल 1 वाले को अरे 900। अरे बाप रे भाई लग गए भाई। मैं डैमेज खाऊंगा, पता है क्यों? क्योंकि वो भाई फट के ना रेक्सिस को नहीं पड़ने चाहिए यार, वरना दिक्कत हो जाएगी गाइस ना। मेरे को ना लग रहा है यहाँ पे कुछ हो पाएगा यार अपना। भाई ये बॉस फाइट मेरे को थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप का लग रही है गाइज। भाई मेरा 6-6 का डैमेज पड़ रहा है, 6-6 का मात्र भाई। अपने सारे भाई भाई 150-150 डैमेज। मजाक कर रहे हो? अगर मेरे रेक्स मेरे को मरते हुए दिखाई दिए ना, रुक जाओ, मरते हुए दिखाई दिए तो भाई मैं यहाँ से कल्टी मार दूंगा भाई। सिंपल सी बात है। मैं मार खा सकता हूँ गाइज क्योंकि मेरे पास हीलिंग पोशन है। हमारे रेक्सवा के पास हीलिंग पोशन नहीं है, इसलिए मैं खुद सारा मार खा रहा हूँ भाई। ठीक है यहाँ पे यार पहली बार ऐसा होने वाला है कि इसमें अपन बॉस फाइट हारने वाले यार, ऐसा लग रहा है मेरे को। कम ऑन कम ऑन, अभी तक तो इसकी भाई 10% HP भी डाउन ना कर पाए यार अपन। और मेरी गोलियाँ लगभग हाफ खत्म है भाई, हाफ खत्म है। गई भाई गोलियाँ मेरी, गई भाई। ऐसा कोई डायनो है जो गोलेम को मार सकता है? आई डोंट नो। अर्जेंटिविस को निकालो बाहर। मैंने उनको मैक्स लेवल का ना कर रखा है यार, और मेरे को बता भी नहीं क्या। अरे मारका 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 ले, मारका ले भाई, सारा मार मेरे को खान दो भाई। ठीक है। अरे यार वो रेक्स तो अपना भाई काफ़ी ज़्यादा खतरे में। जो लो लेवल का रेक्स था ना गाइस, वो मरने वाला है। ओनी रेक्स की भी भाई 30 से 40% एचपी पहले से डाउन है यार। नहीं भाई अब चलना रबर गोलेम के बच्चे भाई। अच्छा 16-16 का डैमेज। बाइट अटैक खाएगा, बाइट अटैक 42 का पड़ रहा है इसके ऊपर भाई। ये रबर गोलेम के बच्चों को मारने में मेरे को 400 साल लग जाएंगे यार। यार मेरे को सारे रेक्सिस को बचा के लेके जाना पड़ेगा ना यार, इसको ना मार पाएंगे लग रहा है मेरे को। अरे मार खा ले, मार खा ले, मार खा ले यार। काटे पीटे या भाई इसके पास कौन कौन सी स्पेशल पावर है भाई? ये स्टेन बोजरीन भाई, क्या नाम है तेरा भाई? क्या बोजरीन के बच्चे भाई पड़ गए भाई हमारे भाई रेक्स लोग के कच्चे भाई। भाई डर गए अपने रेक्स लोग भाई, भाई मरने वाले भाई इसके। अब वो रेक्स को बचाना पड़ेगा मेरे को। उसकी हवा तो अरे यार उसकी हवा तो फुल टाइट है ना गाइस। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तेरी हवा टाइट है क्या? इसकी हवा तो फुल टाइट है। इसकी हेल्थ कितनी बची है भाई? इसकी हेल्थ तो भाई 40% ही बची है। मैं नीचे ना उतर सकता, नीचे उतरने से मेरी बैंड बच जाएगी यार। उतर जाओ क्या नीचे? नीचे उतर जाता है। ठीक है रुक जाओ, तूफान जान दो, तूफान जान दो। ठीक है रुक जाओ, वेट अ मिनट, सॉरी सॉरी। आ जा, आ जा रिक्स वाह। गाइस मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई, मेरे को बचाना पड़ेगा यार अपने रिक्स को। और इसकी हेल्थ कितने डाउन कर दिया अपन ने? मेरी गोलियाँ कितनी? 1000 बची है गोलियाँ मेरे पास ना। मात्र 25% हेल्थ भाई इतने टाइम में डाउन कर रखी है अपन ने भाई। इतने में तो ये बॉस की पैंट बचनी चाहिए थी भाई। यार मैं कम रिक्स लेके आ गया लग रहा है मेरे को। रिक्स ना मार पा रही, इसको तो कौन मार पाएगा यार। ठीक है ठीक है ठीक है, मार खा ले, मार खा ले, मार खा ले, मार खा ले, मार खा ले। अरे यार काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है इसके। और मेरे नीचे भाई वो रबर गोलेम शेलेम भाई कोई भाई स्पॉन हो गए भाई। कम ऑन, क्या मेरे 3 रिक्स इसको मार पाएंगे? आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। मेरे रेक्सिस की भी बैंड बच सकती है भाई। मेरे हेल्थ भाई, रेक्स की हेल्थ भाई काफ़ी ज़्यादा डाउन है यार। मेरे रेक्सिस की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और भाई बस 112 का डैमेज इसके ऊपर पड़ रहा है यार। गाइस ये बहुत बड़ा इम्पॉसिबल टाइप है यार भाई। 50% इसकी हेल्थ डाउन यार। इसे तो भाई हर एक को मेरे को क्राइव करना पड़ेगा। गाइस मैं कल्टी मार देता हूँ भाई, रुक जाओ मेरे को डैमेज खाने दो भाई। ये डैमेज इसको पड़ा तो भाई दिक्कत हो जाएगी भाई। ये वाले रेज की अभी बारी है भाई, देखो इसकी 50% हेल्थ डाउन हो चुकी है और बाकी के सारे रेज की भी जो ना कहीं जहाँ पे देखो भाई 20 से मतलब बहुत से भी ज़्यादा हेल्थ हमारे रेज की डाउन है। अगर ऐसे कंटिन्यू मारते रहे ना तो अपने रेक्स ज़्यादा जल्दी मर जाएंगे बॉस के बदले भाई, ठीक है। देखना गाइस ये रेक्स तो भाई समझो भाई 50% से ज़्यादा डाउन ही होगी इसकी हेल्थ भाई। गाइस मैं एक काम कर लेता भाई, ठीक है रुक जाऊँ मैं टाटा भाई गुड बाय करके यहाँ से कल्टी मार के निकल लेता। पहले रबर गोलेम को मेरे को मारने दो भाई, ये रबर गोलेम जो ना गाइस इनको मारने दो भाई इसके आग यार। अबे यार आगे चल मार खाना है तेरे को ची भाई। गाइस ना 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 ये रेक्स की हेल्थ कितनी है गाइस? खत्म है भाई खत्म, मैं निकल लेता मैं निकल लेता भाई, मैं निकल लेता। वेट अ मिनट, इधर आ भाई इधर आ। वो अकेला रेक्स बचाए ना गाइज, ना हो पाएगा गाइज, सॉरी ना हो पाएगा ये बॉस फाइट, ना हो पाएगी यार। खत्म है, कल्टी मार देता मैं, कल्टी मार देता भाई। ये देखो इसका लुक देखो, बाप रे बियर ने गोलम का आर्मर पहन रखा भाई। इसके आग में आपको लुक दिखा देता जाने से पहले, रुक जाओ कल्टी मारने से पहले। देखो भाई और बाप रे अपने अंदर से भाई लो, अच्छा ये अंदर से तूफान निकालता भाई। देखो भाई बियर ने जो ना गए जहाँ पे भाई वो पहन रखा है भाई गोलेम का आर्मर भाई, और एकदम उल्टू तबाह मचा रहा है यार। ये क्या चीटिंग होएगा भाई, ऐसा चीटिंग होएगा तो भाई चीज का डैमेज भाई। एंड्रू को असेंडेंट वाला सैडल पहना रखा है ना, असेंडेंट वाला सैडल है फिर भी चे का डैमेज। गाइस समझ ही सकते हो अपने एंड्रू तो इसकी यहाँ पे इनके सामने टिके ना पाएगा भाई। एंड्रू की तो कोई औकात ही नहीं इसके सामने भाई, खत्म है भाई। एंड्रू को तो ऐसे मार डालेगा ये, मैं कल्टी मार देता। गाइज भाई मेरे पास सिर्फ 200 गोलियां बची है, मैं लेके गया था 2 से 3000 गोलियां और मैंने सारी गोलियां उसके ऊपर उतार दी सारी, बट फिर भी उसकी सिर्फ 25% एचपी अपन डाउन कर पाए। और मेरे 4 रेक्स भाई, पिछली बार 3 रेक्स ने उन वुल्फ बॉसेस को मारा था, बट यहाँ पे 4 रेक्स मिलके भी जो ना गाइज यहाँ पे उस बियर वाले बॉस को मार ना पाए। मतलब मेरी जो रेक्स की आर्मी है ना गाइज वो मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, मेरी रेक्स की आर्मी काफी ज्यादा नल्ली है भाई। एक मिनट रुक जाओ, मैं इट्रेनोसॉरस को जो ना टेम कर सकता हूँ, जो अपने भाई रेक्स की आर्मी को जो ना भाई फुल तो ऐसा बूस्ट दे दे भाई, और उससे जो ना उस बूस्ट से अपने रेक्स का जो ना डैमेज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं शायद अगले एपिसोड में अपन जाके यूट्रेनोसॉरस जो है ना उसको टेम करने का काम करें। फिलहाल के लिए तो हमको गाइस वहां से भगना पड़ा, अगर मैं वहीं पे रुका रहता ना तो अपने रेक्स जो है ना गाइस वो वहां पे मर जाते बहुत ज्यादा गंदी तरीके से। वैसे वो बॉस जो ना गाइस वो कितना खतरनाक था यार दिखने में, और उसके ऊपर भाई डैमेज भी नहीं पड़ पा रहा था भाई। 2-5 हजार का डैमेज मेरा एक रेक्स दे रहा था, 5000 का अल्फा डायनोस को 5000 का, लेकिन उस बॉस को सिर्फ 100 का डैमेज दे रहा था। आप समझ ही सकते हो कि उसके पास कितना खतरनाक है ओपी वाला आर्मर होगा यार। अपन तो भाई बाल बचे वहां से, मैं रेक्स के आर्मी और भी ज्यादा जो ना गाइस लगभग 10 या 12 रेक्स जो ना गाइस वो लेके जाके अगली बार जो ना गाइस उस बॉस को मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे को एक यूट्रेनोसॉरस जो ना गाइस उसको भी टेम करना है, तो एक यूट्रेनोसॉरस को भी जो ना गाइस टेम करने का काम अपन अगले एपिसोड में करेंगे। फिलहाल के लिए यूट्रेनोसॉरस बोलते हैं क्या बोलते पता नहीं, मैं उसको यूटी बोलता हूँ, तो यूटी को अपन अगले एपिसोड में टेम कर लेंगे। फिलहाल के लिए आज एपिसोड ये खत्म होता है। अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और बॉस वाइड भाई और वो बॉस अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर टाटा बाय बाय गुड बाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर टाटा बाय गुड बाय गाइस। बट इट्स टू लेट नाउ, आई रिमेंबर यू एंड मी एंड हाउ careless we were. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.